नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरें। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत तेज आंधी तूफान एवं वर्षा के कारण किसानों के द्वारा लगाए गए धान की फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को भुखमरी के कगार पर आने की है। किसानों ने बताया कि बैंक से लोन लेकर धान का खेती किया था, लेकिन तेज आंधी तूफान एवं वर्षा ने आकर लगी धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जबकि धान का फसल अच्छा था, हम लोग खुश थे कि अब की बार धान का फसल अच्छा होगा, लेकिन प्रकृति की मार ने सभी किसानों की कमर तोड़ दी। हम लोग भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। हम लोगों का बाल बच्चा क्या खाएगा, कैसे हम लोग सभी परिवार का गुजरा करेंगे। वही किसानों ने ये भी बताया कि हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि किसान का बैंक लोन माफ हो, साथ ही हम सभी किसानों का फसल क्षति का उचित मुआवजा मिले ताकि गरीब किसान परिवारों का गुजारा कर सके। सुपौल से जिला ब्यूरो चीफ बलराम कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? प्रभास कुमार। कहाँ का है? पंचायत कौन सा है? क्या दिक्कत हुआ आप लोग? क्या दिक्कत बोलने वाला नहीं है सर, आत्महत्या करने का मन कर रहा है फसल। क्या हुआ फसल? फसल इतना अच्छा था बार के हर साल के भांति इस साल जो है बढ़िया फसल। वो फसल इधर जो बारिश हो गई है उसमें पूरा जो है नीचे धान है ऊपर से पानी है। ऐसा स्थिति है हम लोगों के जो है भुखमरी के कगार पर है। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? उचित मुआवजा चाहते हैं सरकार को, सरकार से मुआवजा दे सकते हैं। आवेदन आवेदन दिया है कृषि भवन में? आवेदन अगर उधर से सर कोई निकलेगा सर तब मैं इधर से आवेदन देंगे सर। सब अभी सर नॉमिनेशन के लिए है, पूरा इलेक्शन में लगा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? धान कहा गया है? सब जो धान पानी में से सड़ गया है। दूरों से ट्रैक्टर लगा हुआ है इसको। कितना धान होता गया है? वो बीघा देख रहे हैं अभी घिरा हुआ है। दो एकड़। कितना का नुकसान है? नुकसान बहुत है, देख रहे हैं पूरे बाधे में। 50 रुपया का प्लॉट है, नुकसान हो गया है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मदद नहीं चाहते हैं सर, और क्या चाहेंगे हम लोग? तो छोटी करवा दे सरकार, अब क्या करेंगे हम लोग? तो बाल बच्चा क्या खाएगा? क्या नाम हुआ? सुरेंद्र यादव। कहाँ करे? मजरुआ। वार्ड नंबर एक। क्या दिक्कत हुआ? सब धान पानी में बह गया, मैंने डूबा हुआ धान। धान हो चुका था क्या? धान तो फूटा था लेकिन सब तो पानी में डूब गया। अब नहीं होगा वो? क्या अब समाप्त हो जाएगा? आप क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से हमारा क्षतिपूर्ति दिला दी। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार। कहाँ का रहे? मजरुआ। वार्ड नंबर पंचायत कौन सा है? क्या दिक्कत हो रही है? हम लोगों का फसल जो है बर्बाद हो गया, फसल पक के तैयार था लेकिन पीने वाला पानी जो है सारा फसल बर्बाद। कितना का क्षति हुआ? क्या नाम हुआ? कहाँ का है? वार्ड नंबर एक। क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत तो बहुत क्षति हुआ है सर, दो बीघा फसल में जो है दो मन खास रहा नहीं है। क्या हुआ? फसल नहीं हो गया, टोटल धान जो है सड़ गया है सर। सरकार से क्या चाहते हैं? मुआवजा सरकार नहीं देगा तो हम लोग बचेंगे कैसे? सारा जान जो लगा दिए हैं इसमें, पूंजी लगा दिए हैं, कुछ सर ऊपर होने वाला नहीं है, हम लोग खाना लगे हैं। नाम हुआ? अरुण देवी। कहाँ का है? मजरुआ। वार्ड नंबर एक, एक। क्या दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत बारिश भले बहु सब फसल दहा गले, डूब गले भेल फसल, अब की खेते बाल बच्चा। क्या चाहते हैं आप? हमरा आर के सरकार के चाहिए मुआवजा बाल बच्चा के लिए, की खेते बाल बच्चा।
भेल दाना चल गए आप केना हेतु। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र यादव। कहाँ घर है? वार्ड नंबर एक। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? क्या दिक्कत? धान का देखते हैं क्या स्थिति है, हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा, पानी में डूबा हुआ है, क्या खाएगा हम लोग का बाल बच्चा? क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम लोग नहीं चाहते हैं कि मदद चाहते हैं। सरकार हम लोग को मदद नहीं देगा तो फिर यहाँ का किसान सरकार हम लोग कैसे यहाँ हम लोग का जो करेगा वही होगा। क्या नाम हुआ? कहाँ घर है? वार्ड नंबर एक। पंचायत कौन सा है? पंचायत है। आप लोगों को क्या परेशानी हुई है? परेशानी है सर, हम लोग का धान फसल सब बर्बाद हो गया सर। कैसे? बारिश में आंधी आया, सब उस पानी है, धान है सब कुछ में सर, ओकरा ले लिया, जन्म लिया मतलब सड़ गया सब। धान का खेती हो गया था पूर्ण? धान का सर हो चुका था, देखिए तैयार सब खत्म हो गया। जी सब खत्म हो गया। क्या चाहते हैं सरकार? चाहते हैं सरकार कुछ हम लोग का हेल्प कर दे, जो बाल बच्चा किसी तरह जिए सब, आत्महत्या नहीं करे। क्या नाम है? जयदीप यादव। कहाँ घर है? मजूरिया। वार्ड नंबर? कौन पंचायत में? कुशाहा पंचायत। क्या दिक्कत हुई आप लोगों को? हम लोग का सारे फसल चल रहा है, एक भी फसल नहीं है, पका हुआ फसल सब सारे चला गया, पानी में डूब गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार से मदद चाहते हैं, सरकार से मदद चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ बाल बच्चा कैसे यहाँ जीवित रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णदेव यादव। कहाँ घर है? घर मजुरवा, एक नंबर वार्ड। कितना फसल क्षति हुआ है? क्षति तो सारे हो गया है, कहने का कोई जोग नहीं है। जितना था यहाँ सारे आदमी का, सारे किसान का, सारे मतलब ये जो है सब तो सारे। नाम हुआ? गणेश प्रसाद। कहाँ घर है? यही वार्ड एक मजुरवा। पंचायत कौन है? कुशाहा पंचायत। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? दिक्कत यही बारिश जो है से हम लोग का आया हुआ फसल जो था एकदम मुँह करने वाला था, तैयार हो गया था, पानी में डूबा हुआ है, सब पेड़ पौधा उग रहा है, नुकसान हो गया, सड़ रहा है, इससे हम लोग का परवरिश होगा कैसे तैयार करेंगे कृषि में। मतलब धान हो गया था ये जो आप लोग? तैयार था, बिल्कुल तैयार था, ऐसा धान कभी लगा नहीं था इधर, बहुत दिन के बाद हम लोग को जो है लगा था। देखिए तैयार था, देखिए तैयार था, अब इसमें जितने सब सड़ रहा है, पानी ऊपर से जाकर के थोप दिया है इसको, सब तैयार फसल जो है सर, क्या करेंगे, क्या होगा, न मवेशी खाने के लिए है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो हम लोग का है वो कम से कम इस बारे में सोचे, निर्णय ले कि हम लोग कैसे जिए, इसके बारे में पहल करे सरकार। बैंक वाले नोटिस भेजता है कि ना रुपया दो, रुपया कहाँ से लाएंगे, बैंक वाले को देंगे, बैंक वाले रात दिन परेशान करता है किसानों को। और आज से सर सोए नहीं हम लोग। आप लोग लोन लिए हैं क्या? लोन लिए हैं, सरकार एकदम नोटिस भेज रहा है, कहता है कुर्की करेंगे, कुर्की करेंगे, ना रुपया दो। बैंक को कहाँ से रुपया दिया जाएगा सर? हम कहते हैं सरकार कृषि लोन माफ किया जाए, सरकार से आग्रह करते हैं कि कृषि लोन को माफ किया जाए, कुशाहा पंचायत के इनको माफ किया जाए सर। मेरी आग्रह है सरकार से कि कृषि लोन जितना भी है कुशाहा पंचायत में वार्ड नंबर 1 में इनको माफ किया जाए सर।